हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती, जिसमें टोटल पोस्ट 5886 पोस्ट निकली है। आज ही SSC ने अनाउंसमेंट किया है, इसकी सारी जानकारी देखेंगे। एज, ड्राइविंग लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो 27 सितंबर 2020 है। चलिए देखते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो SSC ने रिलीज कर दी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। चलिए इसके बारे में आज डिटेल देखेंगे। जो इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकेशन जो डेट है, आप 1 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 7 सितंबर 2020 तक चलेगा। अगर आपको वीडियो देखना है आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। 5846 पोस्ट निकली हुई है, तो इसके बारे में आप सारी डिटेल जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट मेल के लिए कितने निकली है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप नोटिफिकेशन में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कांस्टेबल मेल की कितनी निकली है, टोटल 226 पोस्ट निकली है। और ऐसे देख सकते हैं कांस्टेबल एक्स सर्विस मैन कमांडो पैरा 3.2, टोटल 243 पोस्ट निकली है। और सी फीमेल के लिए आप देख सकते हैं 1994 पोस्ट निकली है, टोटल मिला के 5846 पोस्ट निकली है। तो इसकी 10% सीट है वो रिजर्व है एक्स सर्विस मैन कैटेगरी कंस्टेबल के लिए। चलिए अब एज के बारे में भी देख लेते हैं, एज रिक्वायरमेंट क्या है इसमें। एज रिक्वायरमेंट हम देख सकते हैं 18 से 25 ईयर तक डेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल और स्पोर्ट पर्सन को यहाँ 5 साल की छूट मिल रही है। और यहाँ स्पोर्ट पर्सन जो है, जो स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल रखा है, उसको 10 साल की छूट मिल रही है। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस को अप टू 40 साल के लिए छूट मिल रही है। और यहाँ कोई डिपार्टमेंट कैंडिडेट OBC के लिए 43 ईयर तक की छूट मिल रही है। और आप और यहाँ सन ऑफ डॉटर पुलिस पर्सनल मल्टीटास्क के लिए 49 ईयर तक छूट मिल रही है। एक्स सर्विसमैन्स UR और EWS के लिए 3 साल के लिए भी यहाँ छूट मिल रही है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्या चाहिए आपको इसमें। 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और यहाँ पे आपको कैंडिडेट हैव मस्ट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार का होना चाहिए। ड्यूरिंग PA और MT लर्निंग लाइसेंस नॉट एक्सेप्ट होगा, लर्निंग लाइसेंस आपका नहीं होगा एक्सेप्ट, यहाँ परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। परमानेंट लाइसेंस आपको रिक्वायर है, जिसने नहीं बनाया तो अप्लाई कर दे। अप्लीकेशन फ़ीस और पेमेंट मोड देख लेते हैं। जो 100 रुपये फीस है OBC और जनरल के लिए, और SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए छूट है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। इसका एग्ज़ाम सेंटर हम देख सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर जो है ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्ज़ाम होगा। आप अपना प्रायोरिटी एग्जामिनेशन चॉइस कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फॉर्म में। चलिए और देख लेते हैं इसका एग्जामिनेशन हम पैटर्न देख लेते हैं, जो कि CBT एग्जामिनेशन होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और पहला जनरल और करेंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25, मैथ के 15 और कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफिस MS ऑफिस इंटरनेट के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा, ये CBT का एग्ज़ाम होगा आपका। और एग्ज़ाम पैटर्न जानने के बाद हम फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल के लिए जानेंगे यहाँ पे, जो कि 1600 मीटर 6 मिनट में है और 14 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 3.9 फीट आपको मारनी है। और 40 से जो जो जिसकी 30 से 40 है वो 7 मिनट में 13 फीट और 3.6 हाई जंप मारनी है। जिसकी एज 40 ईयर से ऊपर है वो 8 मिनट में 1600 मीटर और 12 फीट जंप मारनी है और 3.6 फीट हाई जंप मारनी है। तो ये फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट हो जाता है आपका। अभी हाइट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हाइट है, मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, जहाँ SC ST और जो हिल एरिया के कैंडिडेट है, जैसे सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट है। और SC ST के लिए भी 5 सेंटीमीटर छूट है हाइट में। और जो चेस्ट है, आपको मिनिमम 81 सेंटीमीटर चेस्ट है, जो कि एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए 81 से 85 कैंडिडेट, जहाँ यहाँ पे ST के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। अब हम फीमेल एंडोरेंस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। फीमेल एंडोरेंस टेस्ट में जो 30 एज तक के हैं, उनको 16 मीटर 8 मिनट में दौड़ना है और लॉन्ग जंप 10 फीट में और हाई जंप
3 फीट मारना है और एवो 30 से 40 9 मिनट में 1600 मीटर, और लॉन्ग जंप आपको 9 फीट मारना है और हाई जंप 2.9 फीट आपको जंप करना है। एवो 40 ईयर जो कैंडिडेट है वो 10 मिनट में 1600 मीटर भागना है, और हाई जंप जो है 8 फीट मारना है और हाई जंप आपको 2.6 फीट आपको जंप करना है। चलिए और देख लेते हैं फीमेल एंड्योरेंस टेस्ट के बाद हम फीमेल हाइट के बारे में देख लेते हैं, जिसका मिनिमम हाइट जो है 157 सेंटीमीटर है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2 सेंटीमीटर कैंडिडेट 2 सेंटीमीटर छोटे। वही पुलिस डिपार्टमेंट डॉटर सर्विस रिटायर दिल्ली पुलिस में जो उनके लिए 5 सेंटीमीटर के लिए छूट है।